41টা এয়ারক্রাফট এটা কিন্তু ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার হবে। তো তারা কিন্তু শিখে যাবে কিভাবে আসলে এয়ারক্রাফট বানাতে হয়। যারা নতুন ট্রেনারই ছিল 25 জন, নীতিবাক্য যেটা গৌরবের সাথে আকাশ স্পর্শ করুন। স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে। আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি হচ্ছে এয়ারফোর্সের উপর একটি ভিডিও। ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে মেগা 20,000 crore ডিফেন্স ডিল ফর ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স। বাকিটুকু হিন্দিতে লেখা, আমি হিন্দি পড়তে পারি না, আমিও পারি না, বাকিটুকু আপনারা নিজেরা পড়ে নেবেন। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওল্ড অ্যাপিয়ার্স থেকে। আর ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে দেখে আসি এয়ারফোর্সের এই ভিডিওটি। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। सो एक मेगा 20,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की जो डिफेंस डील है, फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 10 साल के इंतजार के बाद फाइनली ये क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ट्वीट है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको चेयर कौन करता है, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने यहाँ पर अप्रूव कर दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील, जिसके अंडर भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे जो ट्रेनीज हैं उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले जो विमान था काफी बार क्रैश कर चुका था। हमारे देश के कई काबिल पायलट्स, कई काबिल ट्रेनीज इन द पास्ट मारे जा चुके थे बिकॉज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। थैंकफुली अब जाकर 2021 में ये डील क्लियर हो चुकी है और अब हमारे सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेनीज को ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली काफ़ी सेफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सीधा हम यहाँ पर परचेज करेंगे 56 ये विमान और भारतीय कंपनी को हम पैसा दे देंगे। यहाँ पर इंडियन कंपनी और एक भारतीय कंपनी मिलकर काम करेगी, प्राइमरली एयरबस एयर डिफेंस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। और इस $2.5 बिलियन की जो डील है, इसमें इंडिया में भी बनेंगी बहुत सारी नौकरियाँ। तो डिस्कस करते हैं इस पूरी डील को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सर्विस बिफोर सेल्फ, टच द स्काई विद ग्लोरी, द स्काई इज बाउंडलेस फॉर अस, द डिफेंस ऑफ द नेशन इज अबव ऑल। कमेंट सेक्शन में लिखो सही आंसर। और बाय द वे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो मैं आपको वीडियो कैंड में बताऊंगा, उससे रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट भी है जिसके बारे में आप सबको भी पता होना चाहिए। तो वीडियो कैंड में जो इसका आंसर है ये जरूर देखिएगा। तो डील यहाँ पर यह है कि C-295 ये मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को, इनमें से 16 तो होंगे फ्लाई अवे कंडीशन में। ये तो जल्दी से जिस तरीके से रफाल आ रहे हैं ना, लगातार फ्रांस से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आ रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पर हमको मिलते रहेंगे। बाकी के जो 40 हैं ये बनेंगे भारत में, और भारत में इनको बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो देखो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैसे बनाते हैं, उसका एक पूरा इकोसिस्टम ये क्रिएट हो जाएगा भारत में प्रॉपर तरीके से। हमारे यहाँ लोगों को और ये मेरे ख्याल से आखिरी बार है जब भारत कुछ विदेशी मुद्रा किसी बाहर की कंपनी को पे करेगा, क्योंकि इसके बाद भविष्य में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड खुद ही जाएगा कि आगे से हम बस अपनी कंपनीज को ही पे करेंगे, प्राइवेट कंपनीज को पे करेंगे इन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे, अच्छा ट्रांसपोर्ट विमान C-295 तो कहाँ से परचेज कर रहे हैं हम, ये क्या USA से परचेज कर रहे हैं या फिर कहाँ से? तो देखो यहाँ पर USA का कोई रोल नहीं है, ये हम परचेज कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री से, प्राइमरली जर्मन कंपनी एयरबस से। हालांकि जो हमको यहाँ पर प्लेन मिलेंगे ये मैन्युफैक्चर होंगे स्पेन में, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस प्लेन की ये है स्पेन में। तो आप कह सकते हैं हम यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर और इस एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है ये बनाया गया था 1990s में बाय CASA। बाद में डिजाइन ये धीरे धीरे अपग्रेड किया गया और आज के समय एयरबस प्राइमरली मैन्युफैक्चर करता है C-295 को। और एयरबस की आप अगर वेबसाइट देखोगे तो ये लोग एक्चुअली बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ये लोग कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एयरबस के कमर्शियल एयरक्राफ्ट, आपने इनके बारे में काफी बार सुना होगा, A380, A350। उसके अलावा ये हेलीकॉप्टर बनाते हैं, हेलीकॉप्टर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वेरियस टाइप के। और फिर जो डिफेंस की अगर हम बात करें तो प्राइमरली दुनिया भर में इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट दिखते हैं,
एक तो है यूरो फाइटर टाइफून, एक बार को इंडिया रफाल की जगह, हो सकता था कि एक बार को हम यूरो फाइटर भी परचेज कर लेते, इसको किया गया था, मगर बाद में इन दी एंड वी वेंड विद रफाल। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस न्यू जनरेशन मल्टी रोल स्विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और फिर यहाँ पे है C295, ये हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी सारी जो खूबियां हैं ये इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इनके हिसाब से जो फ्लाइट आवर्स देता है ये एयरक्राफ्ट, ये है 11 घंटे, बहुत ही लंबे समय तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। और अगर बात करें लोड कैपेसिटी की तो 71 ट्रूप्स को ये कैरी कर सकता है, 50 पैराट्रूपर्स को और 5 पायलट्स को। और इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खूबी ये है जो इंडिया को सूट भी करती है कि इसको टेक ऑफ और लैंडिंग इसकी करवाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे है STOL सिस्टम, जिसको ये कहते हैं शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा तो लैंड इसकी हमको आवश्यकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आज भी हमारे कई एयरबेसिस हैं वहाँ पर लैंडिंग की सुविधा इतनी बढ़िया है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग लैंडिंग से कर पाएगा और इसको टेक ऑफ करना भी काफ़ी आसान है। तो हमारे कई मिलिट्री बेसिस जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्ल्ड क्लास नहीं है, वहाँ पे जो रफ एंड टफ सिचुएशन है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट झेल लेगा। और जो ये C295 है ये रिप्लेस करेगा एवरो को। देखो ये आपके सामने लिस्ट है भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, ज़्यादातर आप देखोगे काफ़ी मॉडर्न है। C-130J USA से परचेज किया था, C-17 USA परचेज किया था, फिर उसके अलावा रशियन मेड IL-76, फिर यहाँ पर आप देखोगे ये है एवरो 1960s का डिज़ाइन, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती थी वही डिसॉल्व हो गई, हम कैसे ना कैसे करके इसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब आप एक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, और ओवर द ईयर्स काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के। और सबसे दुखदायी एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट था ये हुआ था 1991 में, जब हमारे 28 IAF के यहाँ पे पर्सनल मारे गए, जिनमें से 25 तो ट्रेनी थे, होनहार ट्रेनी, जो इन द फ्यूचर IAF को इंडियन एयरफोर्स को सर्व करने वाले थे। बहुत ज़्यादा एक ड्यूबर एक्सीडेंट था, ये हुआ था 25 मार्च को। आज भी IAF हर साल इस 25 मार्च के एक्सीडेंट को ऑब्जर्व करती है, और इस एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली भारत में डिस्कशन हुआ कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हैं, नए एयरक्राफ्ट लाते हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने फिर 2000 के आसपास ये कहा कि जो ये नए एयरक्राफ्ट है हमको परचेज करने चाहिए। फिर देखो 2000 से लेकर 2021, 21 साल और लग गए, तब जाके हम यहाँ पे जो ये फाइल टेबल से टेबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की दुर्घटना होती है तो कई लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। सेफ्टी ओवरऑल इंक्रीज होगी, एक्सीडेंट्स कम हुआ करेंगे इन द फ्यूचर, होपफुली होंगे ही नहीं। और अगर हम बात करें जॉब्स की, तो सिंस टाटा मैन्युफैक्चर करेगा इन एयरक्राफ्ट को इन इंडिया, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600 हाईली स्किल्ड जॉब्स बनेंगी डायरेक्टली, और ओवर 3000 इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर बनेंगी, और उसके अलावा 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर क्रिएट होगी। और टाटा ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चर करेगा ये सब, तब उनको पार्ट्स चाहिए होंगे, स्पेशल टाइप का स्टील चाहिए होगा, और भी पार्ट्स चाहिए होंगे, उसके लिए छोटी छोटी और कंपनीज यहाँ पर बन जाएंगी, तो एक इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और एक बार एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, हमने इंडिया में सीख लिया ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, हम इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं खुद के डिज़ाइन बनाकर। और एक अच्छी बात इस डील में ये भी है कि एयरबस सर्विसिंग फैसिलिटी यहाँ पे इंस्टॉल करेगा इन इंडिया, ताकि इन द फ्यूचर सर्विसिंग के लिए, पार्ट्स के लिए हमें बार बार अपने जो एयरक्राफ्ट हैं ये स्पेन या फिर जर्मनी ना भेजने पड़े। और फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर एक 30% ऑफसेट क्लॉज है, दिस विल हेल्प इंडिया एज़ वेल। बार बार उन्होंने जैसे पाठी ऐटा के ठीक ठाक कोरा आना थे कि नीचे जैसे थाक ले सके तारा तक ठीक करते पर। ऑप्शन बी, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये जो शब्द है ये लिए गए हैं भगवद गीता से। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ द भगवद गीता। यहाँ पर क्या हुआ था, जब लॉर्ड कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तब अर्जुन के मुंह से निकला था कि ही वॉज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। तो IAF का भी सिमिलर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये भी चाहते हैं कि दे वॉन्ट टू ओवरवेलम द एडवर्सरीज, जो हमारे दुश्मन है, विद एप्लीकेशन ऑफ एरोस्पेस पावर इन डिफेंस ऑफ द नेशन। इसलिए हमारा यहाँ पर जो मोटो है IAF का ये लिया गया है फ्रॉम भगवद गीता, टच द स्काई विद ग्लोरी। और फाइनली आपने ये भी वीडियो सुंदर इन्फॉर्मेशन पेलम जे इंडियन गवर्नमेंट तादर एयरफोर्स के C-295 एयरक्राफ्ट एटा केनार जन्य
20,000 কোটি টাকা কিংবা ডলার কিংবা রুপি বা ডলার দিচ্ছে ডলারই ছিল তবে যাই হোক সেটা অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট এবং এখানে কিন্তু মাত্র 16টা এয়ারক্রাফট তারা ফ্রান্স থেকে আনবে বাকি যে 41টা এয়ারক্রাফট এটা কিন্তু ইন্ডিয়াতেই ম্যানুফ্যাকচার হবে যেটা হচ্ছে অনেক বড় নিউজ এবং যেটা অনেক ভালো বলতে হবে কেননা যখন ইন্ডিয়াতে ম্যানুফ্যাকচার হবে তখন তো দেখতেই পারলা যে সে তার ভিডিওতে বললো যে অনেকগুলো কর্মসংস্থান তৈরি হবে তার থেকে বড় কথা হচ্ছে তারা কিন্তু শিখে যাবে কিভাবে আসলে এয়ারক্রাফট বানাতে হয় এটা আর শিখে গেলে কিন্তু হবেই আর শিখে গেলে তখন তারা নিজেরা আরও এর সঙ্গে জড়িত ছোট ছোট যে ম্যানুফ্যাকচারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে পাশাপাশি এবং কাজের আরেকটা দিক নতুন দিক উন্মোচন হবে সেখানকার জনগণের জন্য প্লাস তারা যখন এই এয়ারক্রাফট তৈরি করতে পারবে নিজেরাই তখন কিন্তু এটার উপরেও তারা কিন্তু আরও অনেক রিসার্চ করে আরও এটার উন্নতি কীভাবে সাধন করা যায় তারপরে এটা সার্ভিসিং নতুন মডেল দিয়ে কিন্তু তখন তারাও উন্নত বিশ্বে এই সমস্ত এয়ারক্রাফট সেল করতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটা অনেক অনেক ভালো একটা নিউজ তাদের জন্য আমাদের বলবো আর আমাদের দেশেও যদি কখনো প্রয়োজন হয় তখন দেখা যাবে যে তাদের কাছ থেকে নিতে পারবে এরকম হ্যাঁ আমরাও আশা করব যেহেতু ইন্ডিয়া আমাদের কাছের দেশ সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্রান্স জার্মানি কিংবা স্পেন থেকে যখন কিংবা ইউএসএ থেকে যখন আমরা এয়ারক্রাফট কিনি তখন কিন্তু অনেক বেশি প্রাইস দিতে হয় ইন্ডিয়া থেকে নিলে অবশ্যই ইন্ডিয়া আমাদের বন্ধু দেশ আমাদের হয়তো বা এত পরিমাণ খরচটা হবে না যদি আমরা ওখান থেকে এয়ারক্রাফটগুলো কিনি আমার কাছে মনে হয় যে না যেহেতু ডিস্টেন্সটা কম আর এখানে সব কিছু যদি উৎপাদিত হয় তাহলে খরচ আলটিমেটলি কমে আসবে সবার জন্যই তাদের নিজেদের জন্য হবে আর আশেপাশের দেশগুলোর জন্যও কিন্তু হবে যে তারা যদি সেভাবে সেল করতে পারে আর যেহেতু টাটা এটার দায়িত্ব নিয়েছে যে এয়ারক্রাফটগুলো তারা এখানে উৎপাদন করবে এবং সেই জায়গায় সরাসরি হচ্ছে 600 স্কিল্ড ওয়ার্কার নেবে এবং বাকি হচ্ছে 3,000 আরও অনেক ধরনের কর্মসংস্থান তৈরি হবে তো সেই 600 যে স্কিল ওয়ার্কার থাকবে কিংবা 600 ছিল আশেপাশের দেশ থেকে কিন্তু অনেকেই সুযোগ পাবে যারা অনেক স্কিল তারা কিন্তু সেখানে কাজ করার সুযোগ পাবে যখন আমাদের কাছাকাছি দেশে এরকম এয়ারক্রাফট এবং এরকম এয়ারবাস উৎপাদন করার মতো ব্যবস্থা থাকবে তখন আমাদের দেশে এবং আশেপাশের দেশগুলোতে যারা হচ্ছে অ্যারোনটিক্যাল পড়াশোনা করে তারা কিন্তু প্র্যাকটিসের জন্য অনেক দূরের দেশে যেতে হয় হ্যাঁ লন্ডন ইউএসএ এবং এরকম জার্মানিতে তো তখন কী হবে যখন ইন্ডিয়া পাশের দেশ তাহলে কিন্তু খুব সহজে ট্রেনিংয়ের জন্য যেতে পারবে এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ হবে হ্যাঁ সব মিলায় ভালো একটা পজিটিভ একটা দিক যে এটা হতে যাচ্ছে তো এটা হলে সবাই সুবিধা পাবে আর আশা করি তাদের জন্য এটা তাড়াতাড়ি হোক আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা কিন্তু দেখেছি যে তাদের পুরনো এয়ারক্রাফটে কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় কিন্তু 25 জন না 28 জন লোক মারা গিয়েছিল যারা নতুন ট্রেনারই ছিল 25 জন তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে তাদের অনেক কিছুই কিন্তু পুরানো যে জিনিসগুলা থাকে সেটাতে সমস্যা হতে পারে আবার এটাকে তোমার নিয়ে একটা দেশে নিয়ে যেতে হবে সেখান থেকে ঠিক করে সার্ভিসিং করে আবার দেশে নিয়ে আসতে হবে তো সেই জায়গা থেকে তাদের যে কস্টটা থাকবে সেটাও কিন্তু মিনিমাইজ হয়ে যাবে তারা যদি নিজেদের দেশে সার্ভিসিংটা তৈরি হ্যাঁ লোকাল সার্ভিসটা তৈরি হবে তখন কিন্তু তাদের জন্য একটা অনেক বড় সুবিধা আর এই ভিডিওতে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে জিনিসটা যে C295 মডেলের যে এয়ারক্রাফটটি এটি খুব শর্ট জায়গার মধ্যে ল্যান্ডিং করতে পারে এবং শর্ট জায়গা থেকে টেক ওভার করতে পারে তো এইটা অনেক ভালো দিক যে অল্প জায়গার মধ্যে নামতে পারবে এবং অল্প জায়গা থেকে চলে যেতে পারবে সেই ক্ষেত্রে আসলে যুদ্ধবিমানগুলো এরকমই হওয়া উচিত আরেকটা জিনিস কিন্তু অনেক সুন্দর তাদের ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মোটোটা নীতিবাক্য যেটা সেটা হচ্ছে টাচ দ্য স্কাই উইথ গ্লোরি তো এই জিনিসটা অনেক সুন্দর এটার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় হচ্ছে গৌরবের সাথে আকাশ স্পর্শ করুন অনেক সুন্দর একটি কথা আর এই কথাটা তারা নিয়েছে শ্রীমদ ভগবদ গীতা থেকে তো অনেক সুন্দর একটা ব্যাপার আমরা জানলাম আজকের এই ভিডিওটার উপর আমাদের যে রিয়েকশন সেটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করুন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি